कुरान पे हाथ रख के उसने कहा था कोई धोखा नहीं देगा। पता चला कि वो बहुत ही धोखेबाज और फ्रॉड आदमी था। आपकी जब शादी होगी ना, मैं आपको बहुत अच्छा मैरिज पैकेज बना कर दूंगा। अच्छा। प्यार बहुत मिल रहा है, अभी इतनी बिक्री नहीं हो रही जितना प्यार हो रहा है। और मैं डिस्काउंट पे देता हूँ, अच्छी प्राइस पे देता हूँ। औरंगजेब लगारी साहब, पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम, हमारा कीमती सरमाया है। इन्होंने कई बड़े ड्रामे, बड़ी फिल्मों में काम किया है, लेकिन हम इनको देखते हैं, ये फर्नीचर स्टोर में बैठी हैं और फर्नीचर सेल कर रहे हैं। एक हीरो से ये फर्नीचर सेल करने तक का सफर जो है कैसा रहा? फर्नीचर स्टोर कैसे सोचा? सोचा तो नहीं था, बस नमाज मस्जिद में पढ़ने जाता था तो वहाँ एक मोहसिन से गुफ्तगू होती थी, तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि एक बच्चा है, वो फर्नीचर बनाता है, बहुत अच्छा कारीगर है। उन पर एतबार किया, फर्नीचर की दुकान उन्होंने खोल दी। तो जिन पर एतबार किया था, कुरान पे हाथ रख के उसने कहा था कोई धोखा नहीं देगा, लेकिन पता चला कि वो बहुत ही धोखेबाज और एक फ्रॉड आदमी था। 20-30 लाख का जब नुकसान उस दे चुका तो मुझे पता चला, मतलब तो एक भारी रकम जो है जब आपकी गई, नुकसान हो चुका तब पता चला। मेरा मैं पता किया, पता चला कि वो तो एक क्रिमिनल है और अब तक वो मफरूर है, अब तक पता नहीं है। उसके बाद फिर खुद ही सब देख रहे हैं, करना पड़ा फिर। और सर पे जान पड़ी तो फिर ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अच्छा। समझने में देर नहीं लगी मुझे। और मैं डिस्काउंट पे देता हूँ, अच्छी प्राइस पे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना खर्च होता है तो उससे माकूल मुआवजा लिया जाए, बस ऐसा नहीं कि उसको लूटनी लग जाए। आप ऐसा करेंगे तो लोग दोबारा भी आपके पास आएंगे फिर चीजें लेने? अब भी आ रहे हैं, अब भी वो अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी प्राइसेस जो है आम दुकानों से बेहतर है। आप जब यहाँ बैठे होते हैं, बाहर से कोई आता है, किसी को नहीं पता है कि जी यहाँ पर हमें अंदर औरंगजेब लगारी साहब मिलेंगे, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है, दे आर ऑल लविंग। प्यार बहुत मिल रहा है, अभी इतनी बिक्री नहीं हो रही जितना प्यार हो रहा है। आपने तो अपने लिए एक बना लिया सोर्स, लेकिन हम इसके बरक्स दूसरे एक्टर्स अगर देखें तो उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने अगर दवाई भी लेनी होती है तो उनको शायद डोनेशन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो कहती है हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं एक्टर्स के लिए, तो वो पैसा कहाँ जाता है? नहीं, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही। आर्टिस्ट को कोई मेडिकल कवरेज नहीं है, कोई ट्रेवलिंग फैसिलिटीज नहीं है, कोई कट डाउन नहीं मिलता हमें। हाँ, अगर उन्हें पता चल जाए कि अब बिल्कुल मरने वाला है कोई आर्टिस्ट, तो फिर कभी कभी कुछ न कुछ वो दे देते हैं। लोग तो आके सेल्फियां जब लेते हैं तो साथ में कहीं भी होता है कि सामान के साथ जितना आपने डिस्काउंट देना है फिर हम मजीद डिस्काउंट भी दे दें। आप फिक्र ना करो, बुशरा बड़ा फिक्र कर रही है। आपकी जब शादी होगी ना, मैं आपको बहुत अच्छा मैरिज पैकेज बना कर दूंगा। अच्छा, मतलब आप पहुंच गए हैं। हाँ, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। जहेज के पैकेजेस भी आप डिस्काउंट प्राइस में देते हैं? जहेज का ज्यादा बहुत ख्याल करता हूँ, बोझ भी ना पड़े खरीदने वालों पर और बच्ची भी खुश हो। और डिस्काउंट जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूँ मैं देता हूँ। आए लें, आपको बहुत मोहब्बत भी मिलेगी, अच्छा फर्नीचर मिलेगा।